नमस्कार दोस्तों, आज है 1 जुलाई। तो 1 जुलाई के सभी शैक्षणिक समाचार हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं पर जल्द होगा अंतिम फैसला, भाटी ने दिया ये फैसला। डिजिटल बाल मेला में उच्च शिक्षा मंत्री मनोज त्रिपाठी हुए बच्चों से रूबरू। शिक्षक संघ रेस्टा ने भेजा है ज्ञापन। तृतीय श्रेणी अध्यापक व प्रबंधक संवर्ग की वेतन विसंगति दूर करने की मांग की गई है। उसमें राज्य सरकार आगे से जो भी नौकरी देगी उसमें रिटायरमेंट की तारीख से पहले किसी को नहीं निकालेगी, डोटासरा का ये फैसला है। कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं दिया तो कॉमन मेरिट लिस्ट में शामिल होंगे। जेई एडवांस 2021 ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2021 का ही मान्य होगा। विद्यालयों में बिना टीसी के प्रवेश नहीं करने की मांग, निजी स्कूल संचालकों ने शिक्षा अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। राजस्थान बोर्ड 10वीं 8वीं में A+ ग्रेड है तो 91 में 100 नंबर मिलेंगे आपको। 8वीं बोर्ड परीक्षा 70/2018-19 के अंक जारी करने की मांग की गई है। कोटाकुला विश्वविद्यालय के 1000 से अधिक विद्यार्थियों को झटका, परीक्षा आवेदन निरस्त। परीक्षा के लिए लेट फीस के साथ 5 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन। राजस्थान विश्वविद्यालय और उससे संबंधित कॉलेजों में यूजी और पीजी परीक्षार्थियों के स्टूडेंट जो परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सके थे वह 5 जुलाई तक आवेदन वो कर सकेंगे। देनियों की परीक्षा शुल्क के बराबर लेट फीस। प्रायोगिक प्रशिक्षण के लिए कर सकेंगे 7 जुलाई तक आप आवेदन। बिना शेड्यूल जारी हुआ जी एडवांस का प्रोसेसर प्रदेश के 9 शहरों में वो जो परीक्षा है वो करवाई जाएगी। नहीं टलेगी जेई मेन और नीट का एग्जाम। इग्नू असाइनमेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट 15 तक करें जमा। स्नातक पाठ्यक्रम में साइबर सुरक्षा शामिल। फिर नेक्स्ट आपके लिए, कक्षा 11वीं के अंक अब कल तक कर सकेंगे अपलोड। वेबिनार कल समस्याओं का होगा समाधान। स्कूल 12वीं के अंक आज से करेंगे अपलोड। अब 8 अगस्त को नहीं होगा टेस्ट। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ाई। ईसीजी टेक्नीशियन भर्ती का परिणाम जारी कर दिया गया है। 11वीं 12वीं कक्षाओं के अंकों का मॉडरेशन स्कूल करेंगे CBSE। फिर नेक्स्ट आपके लिए, यहाँ पर LLB विधि डिप्लोमा परीक्षा 21 के परीक्षा आवेदन आज से भरे जा सकेंगे। फिर नेक्स्ट आपके लिए आज के समाचार यहीं से होते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।